दोस्तों वैलेंटाइंस डे आ रहा है और आपके बहुत सारे प्लानिंग्स होंगे वैलेंटाइन डे के, लेकिन दो कपल इस समय मेरे साथ ऐसे हैं जो ताजमहल में निगाह कर रहे हैं। अब इससे अच्छा और इससे रोमांटिक कुछ नहीं हो सकता, तो मेरे सामने वो दो कपल यहाँ मौजूद है। तो कैसा लग रहा है, आपकी शादी होने वाली है, निगाह होने वाला है, कैसा नर्वस हो रहा है? बाय द वे, फर्स्ट यू हैव टू सी दिस, दिस फॉर यू। क्या बात, ये एक सिंबल है इस चीज़ का कि इट्स माय प्लेस, यू नो, नियर हिज हार्ट। गुलाब, yeah, and gulab pe gulab aate ja, he loves me, you know, that's why he's getting married to me. Nahi laga, see, ye bada gulab aapke liye. Oh wow, thank you so much. Aapke jaisa se chota gulab, chota pyar kaun zyada karta hai, matlab ye dekhiye acha lag raha hai, ye bada bahut bada lag raha tha, dekhiye dhyan kaun rakhta hai bataiye, ख्याल कौन रखते ज़्यादा? कितना रोमांस, अभी से है शादी को, अभी कुछ टाइम है और अभी से रोमांस है, ऐसा ही रहेगा शादी के बाद? थोड़ा डाउट है, हमारा अलग किस्म का है। असद और जोया चिक चिक रोमांस है इनका, आपका अलग किस्म का रोमांस है। तो नॉर्मल रोमांस तो हमने बहुत देखा है, आप शायद शाहरुख खान को बड़ा अच्छा एक्टर मानते हैं, आप फैन हैं उनके, मैंने सुना है ऐसा, तो उनके अंदाज में अगर कुछ रोमांटिक बोल के दिखा दे तो हम सो, क्या तुमसे निकाह करोगी? प्यार की शुरुआत हुई है ताज महल से, तो अब अंदाज़ा लगा सकती हूँ मैं कि आगे क्या क्या होने वाला है। यू नो, सब कहते हैं कि शाहजहाँ ने ताज महल बनाया, आज तक वो याद रखते हैं और आप उसमें शादी कर रहे हैं, अब नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, इसके बाद क्या इम्प्रेस करेंगे आप, या शादी हो गई, काम हो गया? ताज महल प्योर होता है, प्योर प्योरिटी का प्रतीक है, इट्स मिसाल दी जाती है लोग प्यार में उसकी, तो आई थिंक मिस्टर खान ने सोचा कि इससे ज़्यादा प्योर कुछ हो नहीं सकता जोया के लिए प्यार, so I think this was the perfect wedding gift, true, that anybody could give the person he or she loves. सबसे अच्छी आदत और सबसे irritating आदत कौन सी है? दोनों एक साथ, दोनों एक साथ। इनका प्यार बड़ा irritating है। क्या बात है, प्यार से तो मतलब ये जो word है ये तो जा ही नहीं रहा है। एक्चुअली देखिए, प्यार प्यार एवरीवेयर, लव इज इन द एयर, सो अगर इरिटेटिंग भी बात बतानी है तो वो भी प्यार वाली बात बताइए। अब आप नजर लगा सकते हैं जोया सद कितना एक दूसरे को प्यार करता है। प्यार इरिटेटिंग है इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो प्यार का इजहार इतना करती है, हमेशा करती रहती है और हमेशा कहती है कि लव मी मिस्टर खान, लव मी, लव मी, लव मी, लव मी, कितनी बार कहोगे यार, मतलब किसी इंसान से प्यार से लव मी मिस्टर खान, आई लव यू मिस्टर खान, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस फारूकी, रियली मैंने प्रपोज किया था, उन्होंने ऐसे ही बोला था, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? नहीं, मिस्टर खान बोल ही नहीं पाए थे कि जोया आई लव यू, क्योंकि इन्हें लगता था कि ओ माय गॉड ही इज सो शाय यार। अब शादी तो होने वाली है, उसके बाद हनीमून की क्या प्लानिंग है, कहाँ जाए? अब ताजमहल, अब मैं बहुत ज्यादा ही हाई एक्सपेक्टेशंस है, तो अब क्या होने वाला है, हनीमून में कहाँ जा रहे हैं? हनीमून के लिए दुबई, और इनका हमारा दुबई, प्लीज क्यों? क्योंकि हम नहीं जा रहे हैं, देयर इज लाइक, हाँ, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि बुर्ज खलीफा बोल दिया तो दुबई बोल दो। नहीं, पर एक्चुअली मैं बता रहा हूँ दुबई क्यों बोला, बिकॉज हम जा रहे हैं इवेंट के लिए, आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर निकाह हम किसी इवेंट के लिए जा रहे हैं दुबई, तो इट्स अ कोइंसिडेंस दैट वी आर गोइंग देयर, इट्स नथिंग टू डू विद कुबूल है, तो पर लगे हाथ हमने बोल दिया इन्होंने दुबई लेके जा रहा हूँ। अच्छा, आप आज आए हैं दिल वालों की दिल्ली में, बहुत एक्साइटेड हैं आके, कैसे मतलब दिल्ली से क्या? दिल्ली बहुत अच्छा लगता है, दिल्ली इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, और जब मैं आ भी रही थी तब मुझे लगा था वाओ कितनी अच्छी सड़कें हैं, ग्रीनरी ग्रीनरी एकदम, और दिल्ली के कुलचे मुझे खाने हैं, ये मेरा टारगेट है। वो सडनली ट्रैफिक में फंस गए हम, ऐसे लगा बॉम्बे पहुँच गए। हाँ, मतलब वो ट्रैफिक थोड़ा कहीं कहीं जम जाता है, बट अदरवाइज वाकई जो दिल्ली है वो दिल वालों की है, मुझे वक्त मिलेगा मैं शॉपिंग करूँगी। अच्छा ठीक है, अब जाते जाते आप दोनों से आप ही के सीरियल का एक एक डायलॉग सुनते हुए जाते हैं उसी अंदाज में। माय डायलॉग इज फिक्स्ड दैट अल्लाह मिया व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर खान। मिस फारूकी, खुदा के लिए नीचे उतरिए। ओ यार, क्योंकि मैं अक्सर जूते लेके बेड पर चढ़ जाती हूँ और अक्सर मुझे कहते रहते हैं खुदा के लिए नीचे उतरिए। क्या बात है, क्या रोमांस है, तो वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, आप दोनों के लिए कुछ लाई, दिस इज फॉर यू, थैंक यू सो मच, दिस इज फॉर यू, थैंक यू एंड दिस इज फॉर यू। क्या बात है, थैंक यू सो मच, प्रीटी यू लुकिंग, सी, थैंक यू सो मच। तो देखिए कितने अच्छे से इन्होंने गुलाब लगा दिया है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं दोनों, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो वैलेंटाइंस डे के दिन कुछ नहीं कर रहे, तो इनका निगाह देखिए आपको पूरी वैलेंटाइंस डे की फीलिंग आ जाएगी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ रूपल, न्यूज़ पॉइंट।